निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से भी ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी हैं, और खेल का शुरुआत हुआ है, खेल का अंत कहाँ होगा ये समय बताएगा। हमारे क्षेत्र के सांसद हैं तो मुझे तो दुख है ही कि इस तरह से उनको अपमानित किया गया, और जिस व्यक्ति पर अपने दल का विश्वास, नेता का विश्वास न रहे, फिर उसको पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं था, पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये तो आने वाला दिन में पता चलेगा। अभी तो जो चर्चा है मार्केट में कि राजद के लोग तो कुछ नया खेल खेलना चाहते थे खरमास के बाद, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वक्त के पहले ही सजग हो गए। इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। ललन सिंह की इस्तीफे की वजह क्या है सर? उस दल के लोग बताएंगे, उनका आंतरिक मामला है। लेकिन अब आगे की राजनीति जदयू की क्या कैसे देख रहे हैं? फिल्म का ट्रेलर अभी लग दिखाई पड़ा है, पूरा फिल्म बाकी है, वक्त पर पता चलेगा। लालू प्रसाद यादव क्या प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति बिहार में कर रहे हैं? निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से भी ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी हैं, और खेल का शुरुआत हुआ है, खेल का अंत कहाँ होगा ये समय बताएगा। एक सवाल यह भी है कि अब नीतीश कुमार खुद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो अब नीतीश कुमार क्या सब चीज़ ठीक कर देंगे जो अभी जदयू को लेकर के जो लोग? ये पहली बार नहीं बने हैं, इसके पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन फिलहाल जदयू से ललन सिंह का इस्तीफा लेना, फिर पुनः नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या बिहार में कुछ खेला होगा? राजनीति में जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का माहौल बनाया गया हटाने का, ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं जो स्वाभिमान से जीता है उसके लिए उचित नहीं है। और ये निश्चित तौर पर कि ललन बाबू को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब पार्टी का और नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे तो फिर उस पद पर बने रहने का औचित्य क्या है? और ये जो माहौल बना है, इस तरह की जो विषय मार्केट में है, फिर इस विषय पर अपनी अपमान और बेइज्जती कराना कतई उचित नहीं था। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद भी नई गठबंधन को वो स्वीकार बात को नहीं कर रहे थे कि जदयू में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि उन्हें जो है बहुत दिनों से पीड़ा दे रही थी। अब ललन बाबू का और नीतीश कुमार जी के विषय को वही दोनों स्पष्ट करेंगे, बताएंगे। देखिए, जदयू का आंतरिक मामला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हमारी शुभकामना बधाई, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह से जिस तरह से विदाई हुई है, स्वाभिमान से जीने वाला कोई भी व्यक्ति इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकता। और इस तरह का वातावरण, निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के सांसद हैं तो मुझे तो दुख है ही कि इस तरह से उनको अपमानित किया गया, और जिस व्यक्ति पर अपने दल का विश्वास, नेता का विश्वास न रहे, फिर उसको पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं था, पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या कारण लग रहा है आपको? अब तो कारण बताएंगे वो लोग ही। राजद के लोग कितने लोग को बर्बाद करेंगे? राजद पूरे बिहार को बर्बाद किया, और जो लोग राजद के संगति में गया उसकी भी बर्बादी तय हो जाती है। बिहार पर क्या असर पड़ेगा इसका? बिहार को तो ये जंगल राज वाले ने कई बीमारी को महामारी में बदल दिया, और वो महामारी फिर से देखिए राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता फैला, और प्रशासनिक अराजकता अपराध भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया। आज पूरे बिहार के अंदर ये महामारी के रूप में व्याप्त है, विभाग के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्या लगता है बिहार में भी कुछ असर होगा इसका? ये तो फिल्म का ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ होगा। कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाए गए हैं जदयू के अब तक, और फिर से एक बार नीतीश के हाथ में। देखिए, राजद के लोग और जदयू के लोग क्या खिचड़ी पक रही है, और राजद क्या खिचड़ी पकाएगा ये तो आने वाला दिन में पता चलेगा। अभी तो जो चर्चा है मार्केट में कि राजद के लोग तो कुछ नया खेल खेलना चाहते थे खरमास के बाद, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वक्त के पहले ही सजग हो गए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति को लेकर। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।